इंदौर जिले के बेटमा क्षेत्र के उत्तरासी गांव में बीते दिनों फैक्ट्रियों के गंदे पानी से बीमारी फैलने की बात सामने आई थी, जिससे डेंगू से 35 लोगों के बीमार होने पर उत्तरासी गांव चर्चा में आ गया था, जिसके चलते एसडीएम, तहसीलदार, जनपद सीईओ और दुग्ध संघ अध्यक्ष पटेल मंगलवार को उत्तरासी गाँव पहुँचे। एसडीएम रवि वर्मा ने गांव का निरीक्षण कर आवश्यक निर्देश दिए, साथ ही साथ जल भराव न करने और स्वच्छता रखने के निर्देश भी दिए। दुग्ध संघ अध्यक्ष मोती सिंह पटेल ने बीमार लोगों के हाल चाल जाने, उन्होंने समुचित इलाज और अन्य सभी ग्रामीण जनों के सैंपल लेने की मांग भी की। वहीं एसडीएम प्रशासनिक अमले के साथ चंबल नदी को देखते हुए मोहिनी नदी में बह रहे पानी को देखा, उन्होंने पानी के सैंपल की जांच करने की बात भी कही। वहीं जिस बोरिंग से गांव वाले पानी पी रहे हैं उसके भी पानी की सैंपल लेकर जांच करने की बात कही। बेटमा इंदौर से राजेंद्र सूर्यवंशी की रिपोर्ट। मामला क्या है और इसका क्या निराकरण होगा? मुझे बताया था कि उत्तरसी ग्राम में कुछ दो डेंगू के मरीज आए हुए हैं। आज हम लोग, मैं तहसीलदार साहब, सीओ साहब, हम लोगों ने मौका विजिट किया था और बीएमओ साहब भी यहीं उपस्थित थे। तो उन्होंने बताया है कि दो डेंगू के मरीज निकले हैं। हम लोगों ने पूरा डोर टू डोर सर्वे करा लिया है और आज मेरे पुनः निर्देश हैं कि एक एक बार फिर से सभी डोरों का, घरों का सर्वे हो और घर में कोई भी जहाँ पर फ्रेश वाटर ये लोग स्टोर कर रखते हैं उसको विशेष टारगेटेड रूप से देखें। उसका अगर कोई टैंक हो जहाँ पर फ्रेश वाटर स्टोर किया है उसको वो लोग खाली करके सुखा के फिर भरेंगे। हम लोग डेंगू का आइडेंटिफिकेशन कर लेंगे। साथ ही कुछ ग्रामीणों ने भी शिकायत की थी कि लेबर साइड से कुछ इंडस्ट्रियल एरियाज़ का पानी, यहाँ एक मोहिनी नदी है, नाला है ये, तो इसमें अनट्रीटेड वाटर छोड़ा जा रहा है। तो हम लोग इसकी सैम्पलिंग करा रहे हैं। सैम्पलिंग के बाद जो डिसीजन पता चलेगा उसके बाद कार्रवाई करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।